फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको होटल की जैसी तंदूरी चिकन घर में ही बिना ओवन के बनाना सिखाऊंगी। देखिए, ये चिकन मैंने रात में ही मैरिनेट करके रख दी थी। चिकन को पहले इस तरह से कट करना है, चिकन को हर पीस को इस तरह से कट मारना है ताकि हम पचाएंगे तो उसके अंदर तक मसाला पहुंच जाए। अच्छा, ये मैरिनेट करने के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया है, लेकिन मैरिनेट करने से पहले मैंने एक काम किया था। इसको क्या किया था कि नमक के पानी में एक आधा घंटा विनेगर डालिए या फिर नमक में नींबू डालकर उसे आधा घंटा फ्रिज में रख दीजिए तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी आपकी चिकन। या फिर विनेगर में पानी में मिक्स करके आप आधा घंटा रख दीजिए। अगर नहीं रखना है तो ये ऑप्शनल है, करना है तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरह से मैंने अब इसमें क्या क्या डाला है, इसमें 2 टेबल स्पून जो है 2 चम्मच खाने के जो चम्मच होते हैं इस तरह के चम्मच, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल दिया है, नमक डाला है, लेमन जूस डाला है, एक इतना चीज़ डालकर मैंने रात में इसको मैरिनेट करके रखा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर जो है, हम देखिए अब क्या डालना है। पहले मैं आपको टोटल आपको लिस्ट दे दूँ हमको क्या क्या चीज़ें मैरिनेट के लिए लगेंगी टोटल, ठीक है, पहले वो बता दूँ और बाकी का इसको फिर से मैं आगे की प्रोसीजर हम करेंगे। तो पहले लिस्ट देख लीजिए क्या कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ये काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ये 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर हमें ज़्यादा लेना है। उसके बाद ये 1 टेबल स्पून है कसूरी मेथी, इसको मैंने हाथ पे मल के बारीक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद 3 टेबल स्पून जो है 3 टेबल स्पून दही लिया है और 4 टेबल स्पून ये मैंने टोमेटो प्यूरी ली है, टोमेटो को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसको ले लिया है। उसके बाद ये है कॉर्न स्टिच यानी के मक्के का आटा जो होता है वो, और मैदा लिया है 2 टेबल स्पून और कॉर्न स्टिच लिया है 2 टेबल स्पून, ठीक है। इतना आइटम हमें लगने वाला है। उसके बाद ये एक अंडा है और एक नींबू और थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा लाल कलर, या फिर लाल कलर की जगह आपको बताया था कि मैंने ये पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था, अब ये मैंने फ्रिज में से निकाला है और उसके अंदर अदरक लहसुन ये सब चीज़ें पहले यूज़ कर ली। अब ये मैं रेड चिली इसके अंदर डाल दूँगी, ये ब्लैक पेपर इसमें डाल देंगे, नमक वगैरह पहले ही हमने डाल दिया है, ये कसूरी मेथी मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद ये धनिया पाउडर मैंने पहले डाल दिया था, थोड़ा धनिया पाउडर डाल दूँगी, ये हो गया। और दही भी मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ, दही डाल चुकी हूँ, धनिया पाउडर डाल चुकी हूँ। अब ये ज़ीरा पाउडर जो है, ज़ीरा पाउडर भी मैं इसमें डालूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हाथ से हम मिक्स करेंगे, एक अच्छे से हाथ से इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारे पीसेस के अंदर तक ये चला जाए, ठीक है। मिक्स कर लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब ये मैं अंडा डालकर इसको अच्छे से और मिक्स कर दूंगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये मिक्स करने के बाद क्या हुआ, आपको लग रहा होगा ना कि ये जो है पतला हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा लाल कलर डालेंगे, अगर आपके पास में लाल कलर नहीं है तो आप कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए, कश्मीरी मिर्च नहीं है तो लाल कलर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने लाल कलर भी इसके अंदर यूज़ कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए इसमें इतना पानी है, ये पानी को हम किस तरह से कम करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे, ये अच्छा मिक्स हो चुका है, इसमें हम डालेंगे अब ये कॉर्न स्टार्च यानी कि मक्के का आटा। फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, पहले हमने कॉर्न स्टार्च डाल दिया, कॉर्नफ्लोर जो कि मक्के का आटा था, अब ये मैदा मैंने डाल दिया है, ठीक है। मैदा भी इसको डालकर अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स
देखिए मैंने ये मैरिनेट करके रख दिया है, ये पचा कर मैंने रख दिया है। अब इसको एक कम से कम अब तो आधा घंटा आपको रखना होगा, इसको फ्रिज में रख दीजिए। अब देखिए अब ये जो टोमेटो का हमने निकाला है इसको अब हम कुकर में भुनेंगे। फ्रेंड्स कुकर में एक चम्मच जितना हम ये तेल डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें ये तेल में थोड़ा जीरा डालना है, जीरा डाले तो उसकी खुशबू अलग ही आती है। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ये जीरा इसमें डाल दूं और अब ये टोमेटो का जो है इसमें डाल दूं। अच्छा तेज अगर आपको खाना है तो आप मिर्ची बढ़ा दीजिए। फ्रेंड्स तेज मिर्ची हम मैरिनेट करते पचाते वक्त भी डाल सकते थे ज़्यादा, लेकिन अगर उसमें डालोगे तो फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे, इसलिए अब क्या करना है इसमें आप मिर्ची डालकर भूनिए। अगर तेज़ खाना है तो कम से कम ऊपर का हम निकाल कर बच्चों को अंदर की चिकन खिला सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसे तेल छूटने तक हम भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल दीजिए कि टोमेटो का जो टेस्ट है थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक। देखिए अब ये तेल हमारा छूट गया है पूरा, ठीक है। अब इसमें हम चिकन के पीस डालेंगे। ये चिकन के पीस इस तरह से लेंगे और इस चिकन के पीस इसमें से इसको यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। ये पूरे चिकन के पीस इसमें अच्छे से रखकर कुकर बंद कर देंगे। ये देखिए बराबर से एडजस्ट करिए चिकन को, ये इस तरह से बराबर चिकन इसमें एडजस्ट हो चुकी है। अब ये चिकन इसमें डालने के बाद ये मसाला बच गया है, इस मसाले को कुछ नहीं करना है, इसी तरह से रखिए। पहले इसमें मैं कुकर बंद करके इसको 2 सीटी लूँगी, ठीक है। यानी दो एकदम दो भी सीटी नहीं लेना है, 1 सीटी में अगर होता है तो ले लीजिए। ये कुकर मैंने बंद कर दिया है। अब ये कुकर में जब तक होंगे तब तक हम ज़ीरा राइस या बिरयानी राइस बना लेंगे। देख लीजिए अब इसे एक जगह पर कर लीजिए मसाले को। ये मसाला एक तरह से यहाँ पर एक, क्योंकि अभी ये हमें काम आएगा। देखिए मैंने 2 सीटी ले लिए, लेकिन हम इसे तुरंत नहीं खोलेंगे, इसके थोड़े हवा निकलने देंगे। अब ये चिकन देखिए इस तरह से हो गया है हमारा, ये चिकन मैंने खोल लिया है, ठीक है। अब इस चिकन के पीसेस को मैं बाहर निकालूंगी। देखिए ये चिकन के पीसेस को मैंने बाहर निकाले हैं और ये चिकन के पीसेस ये जो मसाला है इसमें हम डालेंगे, ठीक है। और इसको ये सब मसाला इसमें फिर से लगा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये थोड़ी थोड़ी चिकन जो है उसमें लग गई, क्योंकि साइड में 1 किलो चिकन थी तो साइड में ये लगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुकर में हम लगा दिए कुकर में जल जाएगी लग जाएंगी, तो आप कुकर में करने के बजाय कढ़ाई में करिए। कढ़ाई में आपको तेल बहुत डालना पड़ेगा, तेल डालकर उसको थोड़ा रख दीजिए और उसको ढाप कर 10 मिनट धीमे आँच पर उसको पका लीजिए, ठीक। अब ये हो चुका है, ये मसाले में फिर से मैं इस तरह से इसको पचा लूँगी और ये इस जाली के ऊपर इस तरह से इसको सूखने के लिए रखेंगे। ये मेरा कूलर है, मैं इसका यहीं पे चालू कर दूँगी, आप है तो फैन में रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो मसाला था ये वापस हमने ये मसाला लगा दिए। अब इसको मैं इसको सूखने के लिए इसमें हवा में रख दूँगी। आप अपने फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं, अगर इस तरह से जाली है, ये ओवन की जाली है, अगर इस तरह से जाली है तो ठीक है, वरना छन्नी के ऊपर कोई चीज़ पर इस तरह से उसे सूखने के लिए रख दीजिए इस तरह से मसाला लगाकर। फ्रेंड्स ये मैंने इस तरह से इसको सूखने के लिए रख दिया है, अब ये सूख जाएगा। और एक बात का ख्याल रखिए, जब कुकर में आप लगाएं तो हद से ज़्यादा ना गल जाए, अगर हद से ज़्यादा गल गई तो हाथ में आ जाएंगे। उससे बेहतर है आप कढ़ाई में सामने उसको फ्राई कर लीजिए धीमी आँच पर ढाँप कर, ठीक है, क्योंकि अंदर तक गलना चाहिए। अब ये हमें इसको सूखने तक इसका इंतज़ार करना है। 1-5 मिनट में ये सूख जाएगा, क्योंकि इसमें मैदा और आटा है तो जल्दी सूख जाएगा। और ये जो बचा है अभी भी बचा है इसके अंदर थोड़ा सा जो गल गया तो जो गिरा है, ये पीस को इसी तरह से रख लीजिए। इसका मैं बताती हूँ अभी क्या करना है, ठीक। देखिए अब इसको थोड़ा मैंने तेल लगा लिया है,
इस तरह से तेल लगा लीजिए। और ये जो हम बनाते वक्त जो भी कुकर में लगा होगा वो कुकर का जो है निकाल कर आप चटनी के जैसा खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा काला जला भी है तो भी वो बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है बच्चों को भी खाने के लिए। तो चलिए अब इसको हम भूनेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये चिकन का पीस जो है हम इसको अच्छे से आप पकड़ लीजिए, ठंडा हो चुका है देखिए, और इसको हम इस तरह से भून लेंगे। अगर अपने पास में ओवन की सलाख है तो उसके अंदर भी चुभो कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताना है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसको भून लेंगे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ हाँ है ना। ये देखिए पहले हमारा ऑलरेडी चिकन है तो कुकर में थोड़ा भुना हुआ है, और ये इस पर बस हमें खुशबू के लिए इसको इस तरह से भून लेना है। देखिए देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी ये तंदूरी चिकन घर पे ही एकदम तैयार है। पूरे पीस इसी तरह से हम भून लेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी गल चुकी है, बस हमें इसको तंदूरी का फ्लेवर के लिए, तंदूरी का जो टेस्ट होता है उस तरह से करने के लिए इसे हम इस तरह से भून लेंगे। कुकर में भी जो लग चुकी है तो कोई मुश्किल नहीं, वो भी उसका भी टेस्ट वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा ख्याल रखना क्योंकि पूरा मसाला उसका जल जाएगा, तो कुकर में थोड़ा ख्याल रखना है। यहाँ तो जितना हो सके हम इस तरह से उसको भून लेंगे। इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, और घर में आप तंदूरी बनाइए, घर में ही बनाकर खाइए, बच्चों को खिलाइए। ये देखिए जो लेग पीस था वो भूनना बहुत आसान है, लेकिन इस पीस को थोड़ा अपने हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये भूनते वक्त जो है बीच का जो हिस्सा है उसे बहुत ध्यान से भूनना होगा। उसको फिर हम उसका पोजीशन चेंज करके, साइड चेंज करके जो हिस्से में नहीं भुनी गई उसे भी इस तरह से हम भून लेंगे। ये देखिए चलिए ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करिए घर में, आपको बिल्कुल होटल की तरह तंदूरी का मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा तंदूरी की तरह। मैं इसको थोड़ा उसकी पोजीशन चेंज कर दूँ। जो हिस्से में सेका नहीं गया था वो हिस्से का हमें भूनना है। ये इस तरह से भून लिए हम। जैसे अगर छन्नी है तो इसमें भी हम इस तरह से भून सकते हैं, इस तरह से ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब जब हर किसी के पास छन्नी नहीं होती है इसलिए मैंने उस तरह से बताया था। ये देखिए इस तरह से अगर है ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हमारी तंदूरी चिकन, देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये हुई भी बहुत अच्छी है। देखिए आप बनाइए, टेस्ट करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ओके शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्कार, गुड नाइट।